नमस्कार दोस्तों, सौर तूफान की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने दोस्तों और ताज़ा अपडेट दिया है जिससे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। वाशिंगटन अमेरिका में स्थित जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके वैज्ञानिकों ने कहा है कि सौर तूफान की जो गति है वो 16,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी पर जो तूफान आते हैं कोई दोस्तों भारी तबाही मचा देते हैं। तो ये तो 16,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही मचा सकता है। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी इससे कोई ख़तरा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो ध्रुव हैं वहाँ पर इसकी तेज़ रोशनी देखी जा सकती है। वहीं वैज्ञानिकों ने चेताया है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध दोस्तों मनुष्य से ही होता है, क्योंकि इस सौर तूफान से हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारी रक्षा करता है, और मानव के द्वारा जो लगातार दोस्तों खनन किया जा रहा है इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो रहा है, ये दोस्तों हमें इस तूफान से बचाने के लिए कमज़ोर पड़ सकता है। तो जिन क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर है वहाँ पर इस तूफान का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है, ये वैज्ञानिकों ने ताज़ा खबर दी है। वैज्ञानिकों ने बताया ये घटना पहली बार घटित नहीं होने जा रही है। इससे पहले 1989 में सौर तूफान का पृथ्वी ने सामना किया जिसके कारण कनाडा के क्यूबेक शहर में 12 घंटे तक बिजली गुल रही, यानी कि 12 घंटे तक ये शहर पूरी तरह अंधकार में छा गया। ऐसी ही 1859 में दोस्तों ये जियो मैग्नेटिक तूफान आया था, और ये सबसे शक्तिशाली और चर्चित जियो मैग्नेटिक तूफान था जिसके कारण यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क दोस्तों पूरी तरह तबाह हो गए थे, सब कुछ खराब हो गया था। इस दौरान कुछ ऑपरेटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक शॉक यानी कि दोस्तों बिजली के झटके भी लगना महसूस किए थे, जबकि कुछ अन्यों का दावा तो ये था कि बिना बैटरी के उपकरण हैं जो यूज कर पा रहे थे। पश्चिमी उत्तर अमेरिका में रोशनी इतनी तेज थी कि रात के समय भी लोग दोस्तों अखबार पढ़ रहे थे। तो अब आप देख सकते हैं ये कितनी तबाही मचा सकता है, यदि इसकी स्पीड ज़्यादा रही तो ये भारी तबाही भी मचा सकता है। वैज्ञानिकों की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज रात 10 बजे के बाद दोस्तों ये तूफान है जो पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रवेश करेगा और अपना प्रभाव दर्शाना शुरू कर देगा। जिन क्षेत्रों में ये अधिक प्रभाव दर्शाएगा वो क्षेत्र पूरी तरह अंधकार में हो जाएंगे, और कहीं पर दोस्तों बहुत ही भयानक तेज रोशनी दिखाई देगी। ऐसे में दोस्तों आपको उपकरणों से बचना है, उनको उपकरणों को यूज लेने से भी बचना होगा, क्योंकि ये बिजली का झटका लगा सकता है जिससे आपको हानि हो सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है सौर तूफान में बहुत गर्म हवा होती है, इसके कारण धरती की बाहरी वायुमंडल औसत से ज़्यादा गर्म हो सकता है। ऐसा होने पर इसका सीधा असर सैटेलाइट पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन सिग्नल, सैटेलाइट टीवी, जीपीएस, नेविगेशन में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण पावर लाइन्स में करंट तेज़ हो सकता है जिससे ट्रांसफॉर्मर भी उड़ सकते हैं।